आज हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर का अगला वीडियो लेकर आए। सो एज यू नो दैट इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पर हम लोग सीखा था व्हाई देयर इज ए ब्रिलियंस इन डायमंड। देन वी हैव लर्न द ऑप्टिकल फाइबर, माइरेज, ऑल दिस, एंड ऑल्सो वी हैव डिड सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हम लोग का अगला टॉपिक होगा दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो मैंने बोला था कि रिफ्रैक्शन हम लोग को दो सरफेस में पढ़ना पड़ेगा, पहला है प्लेन सरफेस, दूसरा होगा स्फेरिकल सरफेस। सो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, सो दैट वाज पार्ट ऑफ ए रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। और दूसरा क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में द नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। सो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्लेन सरफेस। तो प्रिज्म बेसिकली क्या होते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, प्रिज्म हैज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी बाई विच इट कैन स्प्लिट द वाइट लाइट पासिंग थ्रू इट इन ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ वैल्यूज। मतलब जो वाइट लाइट प्रिज्म से एंटर होते उस वाइट लाइट को द प्रिज्म के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होते बाई विच इट कैन स्प्लिट द वाइट लाइट into different colors of light based on their wavelength value. तो इसी property को हम लोग क्या बोलते हैं, this property of prism is known as the dispersion of light. तो यहाँ पर dispersion क्या होती है, it's basically the splitting up of white light into seven colors of light. तो question में आ सकते हैं कि why does splitting does not occur in case of glass slab. Suppose आपसे exam में पूछ दिया कि why no splitting of white light takes place in glass slab. तो इसका रीज़न क्या होगा, तो ग्लास स्लैब के थ्रू डिस्पर्शन हम लोग को क्यों नहीं दिखाई देते, वाई वी ओनली सी द डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज इन केस ऑफ ग्लास स्लैब वी हैव understood one of the important relation that angle of incidence is equal to angle of emergence, right? To see kya hote, incident ray becomes parallel to the emergent ray, and when the emergent ray becomes parallel with the incident ray, to kya hoga, jab ray of light bahar niklega glass slab se, then again all the colors of light will recombine. To jaise recombination hoga seven colors ka, to seven colors ka recombination se fir se we get the white light. So we do not see dispersion happening in case of glass slab. तो इसका reason क्या होगा, because incident ray of light is parallel with the emergent ray of light. तो I think आपको समझ में आ गया होगा what is dispersion. Dispersion prism का एक property है by which it can split up the white light into seven colors of light based on their wavelength value. तो ऐसे क्यों होते हैं, because we know that speed of light decreases when it changes the medium. For example, अगर light एयर से प्रिज्म में जा रहे तो क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन मीडियम, एंड सिंस ग्लास इज ए डेंसर मीडियम तो क्या होगा, द स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। तो इसी चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के कारण द वाइट लाइट गेट स्प्लिटेड अप इनटू सेवन कलर्स ऑफ लाइट बेस्ड ऑन देयर वेवलेंथ वैल्यू। तो इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है दिस इज अ ट्राइंगुलर बेस ऑफ द प्रिज्म, जहाँ से मेनली रिफ्रैक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही एक वाइट रे ऑफ लाइट है, व्हेन इट एंटर्स थ्रू द प्रिज्म देन इट विल सफर रिफ्रैक्शन, एंड अगेन व्हेन इट कम्स आउट देन वी कैन सी सेवन कलर्स ऑफ लाइट। तो सबसे कम डेविएशन किस कलर का होते, रेड कलर का, बिकॉज उसका वेवलेंथ मैक्सिमम है। देन द मैक्सिमम डेविएशन इज सफर्ड बाय द वायलेट कलर, व्हाई, बिकॉज इट हैज़ मिनिमम वेवलेंथ वैल्यू। और बीच में कौन सा कलर होते, येलो कलर, और उसके आसपास होगा इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, सो ऑल दिस कलर्स विल कम। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें आप लोग देख सकते हैं देयर आर टू टाइम्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पर एक होगा पहला सरफेस में, दूसरा बार रिफ्रैक्शन होगा इन द सेकेंड सरफेस। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन हैपनिंग इन केस ऑफ ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पर वी कैन सी द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स ऑफ लाइट। तो अगर हम लोग एक स्क्रीन प्लेस कर देंगे इन फ्रंट ऑफ द ग्लास प्रिज्म, तो स्क्रीन के ऊपर कितना कलर्स दिखाई देगा, सेवन कलर्स। तो अब हम लोग को मेनली क्या पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। तो जैसे मैंने एक ट्राइंगुलर बेस बना दिया प्रिज्म का, ए बी सी इज ए ट्राइंगुलर बेस ऑफ द प्रिज्म। हियर यू कैन सी एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
एंड सेकेंड सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा देन आर डैश विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस वी कैन से फॉर द सेकेंड सरफेस ए सी एंड एंगल ई विल बी द एंगल ऑफ इमर्जेंस। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने डेल्टा बनाया, डेल्टा का मीनिंग क्या है, डेल्टा इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज़ द एंगल मेड बाय द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विद द इमर्जेंट रे। सो जितना एंगल बनाएगा द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे विद द इमर्जेंट रे, उसी एंगल का नाम होते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को मार्क किया जैसे कि पी क्यू आर एम। हियर यू कैन सी दैट द एंगल एम पी आर कितना होगा, सो दैट इज़ गिवन बाय एंगल आई माइनस आर बिकॉज होल एंगल विल बी एंगल आई। तो वहाँ से अगर हम लोग आर को माइनस कर देंगे देन वी गेट द एंगल एम पी आर। सिमिलरली व्हाट विल बी द एंगल एम आर पी, सो दैट विल बिकम एंगल ई माइनस एंगल आर डैश बिकॉज हियर यू कैन सी दैट होल एंगल विल बिकम एंगल ई। वहाँ से अगर हम लोग आर डैश को माइनस करेंगे देन वी गेट द एंगल एम आर पी। नाउ हेयर वी हैव टेकन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में ए पी क्यू आर ए, सो दैट विल फॉर्म ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी है सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिखा एंगल ए प्लस एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल पी क्यू आर, सो बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स, सो देयर सम विल बिकम 180 डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन। देन वी अगेन फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर कौन सा ट्राइंगल था, इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पर क्या होगा सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होते हैं 180। सो हेयर वी कैन राइट दैट एंगल क्यू पी यू, और वी कैन से एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, सो होल सम ऑफ थ्री एंगल्स विल बिकम हाउ मच 180। देन एंगल क्यू पी आर इट वॉज हाउ मच एंगल आर, देन अगेन पी आर क्यू इट वॉज इक्वल टू एंगल आर डैश, देन वी कैन राइट हेयर दैट इज इक्वल टू 180। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन द डायग्राम एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल आर एंड सिमिलरली एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर डैश। सो यहाँ से इफ यू राइट लाइक दिस, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर टू। नाउ इफ यू कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू देन व्हाट वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर प्लस आर डैश। ये जो एंगल है दिस एंगल ए इज नोन एज द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इसका नाम होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल कितना होगा आर डैश। देन फ्रॉम ट्राइंगल पी एम आर, सो पी एम आर कौन सा ट्राइंगल है, इन द डायग्राम यू कैन सी दिस इज ट्राइंगल पी एम आर। सो यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। तो क्या प्रॉपर्टी था मैथ्स में, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो कौन सा होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सो दैट इज इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर प्लस एंगल ई माइनस एंगल आर डैश। सो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वी गेट एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस कितना होगा विद इन ब्रैकेट एंगल आर प्लस एंगल आर डैश। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फोर। तो अब यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन नंबर थ्री को अप्लाई कर देते देन हाउ मच वी गेट, सो पुटिंग इक्वेशन थ्री इन, कहाँ पर हम लोग बिठाएंगे, इक्वेशन नंबर फोर पर, राइट, तो क्या मिलेगा, डेल्टा विल बिकम हाउ मच एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस कितना हो जाएगा एंगल ई, राइट, बिकॉज हेयर यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर प्लस आर डैश, तो इसकी जगह पर एंगल ए आ जाएगा। सो हेयर वी गेट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। अब एक हम लोग स्पेशल कंडीशन अप्लाई करने वाले, अप्लाइंग से वी अप्लाई द कंडीशन दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल आई किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर, एंड सो व्हाट वी कैन से दैट एंगल आर विल बिकम इक्वल टू एंगल आर डैश। ये जो मैंने कंडीशन लिखा है दिस कंडीशन आर फॉर
मिनिमम डेविएशन, जब डेविएशन बहुत कम होगा देन वी कैन राइट दिस टू कंडीशन। तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वेन एवर एनी वन आस्क्स यू व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या होते है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड सिमिलरली एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर डैश। इसको अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन थ्री। सो इक्वेशन थ्री से क्या मिल जाएगा, एंगल ए विल बिकम हाउ मच, टू टाइम्स एंगल आर, राइट। तो यहाँ से एंगल आर कितना आ गया, दिस विल बिकम एंगल ए बाई टू। सो दिस विल गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एंड सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव। सो इक्वेशन नंबर फाइव क्या था, एक बार देख लीजिए। इक्वेशन नंबर फाइव इज दिस वन। सो यहाँ पर अगर हम लोग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई प्लेस कर देते तो क्या मिलेगा मुझे, सो डेल्टा विल बिकम एंगल आई प्लस कितना हो जाएगा, एंगल आई माइनस कितना होगा, एंगल ई, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल आई माइनस एंगल ई। तो फिर से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो एंगल आई कितना आएगा, सो दैट विल बिकम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस कितना आएगा, एंगल ए डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, टू, राइट। सो दिस विल गेट, सो हियर यू कैन सी दैट फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ए विल गो इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बिकम प्लस, सो एंगल आई आ गया इतना। सो दिस इज इक्वेशन नंबर कितना होगा, सो दैट इज इक्वेशन नंबर सेवन, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेवन। नाउ वी कैन राइट फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो अब अगर हम लोग स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं, इफ़ वी अप्लाई स्नेल्स लॉ एट विच पॉइंट, से फिर से मुझे डायग्राम देखना पड़ेगा। सो कौन सा पॉइंट में हम लोग अप्लाई करने वाले स्नेल्स लॉ को, एट द पॉइंट पी। सो इफ़ यू अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट पी देन व्हाट वी कैन राइट, क्या होते हैं स्नेल्स लॉ। सो यू नो दैट स्नेल्स लॉ इज गिवन बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई कितना था, साइन आर, राइट। दिस वॉज स्नेल्स लॉ। सो यहाँ पर एंगल आई एंड एंगल आर को इफ यू पुट द वैल्यू देन हाउ मच वी गेट, सो दिस विल बिकम डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, साइन, दिस विल बिकम ए बाई टू। सो दिस इज द एंटायर डिराइवेशन। ये पूरा डिराइवेशन आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, देन यू हैव टू प्रैक्टिस। तो एक बार प्रैक्टिस करने से यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। सो बहुत इजी डिराइवेशन है, सिंपल ज्योमेट्री वी हैव अप्लाइड हियर। तो पहले मैंने अप्लाई किया कौन सा रिलेशन, फर्स्ट वी हैव अप्लाइड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, देन वी हैव अप्लाइड सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन वी हैव अप्लाइड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट। Then we have applied which condition, that angle of for minimum deviation the condition will be angle I equal to angle E and angle R equal to angle R dash. So after application of all these properties we got the result. तो ये हम लोग के पास result आ गया, refractive index of the prism. तो आप इसके ऊपर कुछ questions आते, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, से वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड से एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर। तो इसका जो ग्राफ होते हैं, सो दैट ग्राफ इज लाइक दिस, इसे पैराबोलिक कर्व, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट में इसका जो वैल्यू आएगा, सो दैट विल बी मिनिमम। तो ये आप लोग ड्रॉ करने वाले इन द प्रैक्टिकल क्लास, where you get the experiment of prism, here you will draw the graph for angle of minimum deviation. So this is basically graph between angle of deviation and angle of prism. या फिर हम लोग बोल सकते ये basically angle of prism नहीं होती, it is angle of incidence, right? Angle of incidence. So for given values of angle of incidence, you will get certain values of angle of emergence and finally we'll calculate the angle of deviation. So like this, this is the shape of the graph. तो यहाँ पर कुछ questions करते हैं अभी, let us solve
वन और टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिज्म। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, सपोज क्वेश्चन पूछा है इफ द व्हाइट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट एंड देन अगेन रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट। Then what change will occur in डेल्टा मिनिमम, राइट? क्या चेंज होगा डेल्टा मिनिमम में? तो ये चीज़ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन, मैं एक बार समझा देते हूँ। ये ग्लास प्रिज्म है, पहले बोला है कि हम लोग को पहले तो व्हाइट लाइट था, तो व्हाइट लाइट को रिप्लेस करके मैंने वायलेट लाइट लेके आया। तो पहले कौन सा लाइट होगा? वायलेट लाइट। तो फिर से मैंने क्या किया इस प्रिज्म में, नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिप्लेस द वायलेट लाइट बाय विच कलर? रेड कलर, राइट? तो दोनों सिचुएशन में व्हाट विल बी द एंगल ऑफ फॉर मिनिमम डिविएशन, तो कैसे चेंज होगा? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए एक एक्सप्रेशन था हम लोग के पास, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू कितना आया था, इफ़ यू रिकॉल द अर्लियर एक्सप्रेशन देन हाउ मच वी हैव गॉट, सो दिस इज़ 2 टाइम्स एंगल आई माइनस कितना था एंगल ए, राइट? ये था एक्सप्रेशन, राइट? तो ये वाला एक्सप्रेशन आया था हम लोग के पास। तो ये यहाँ पर और एक चीज़ आप लोग देख सकती, डेल्टा मिनिमम ऑल्सो वी हैव गॉट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? बिकॉज इफ़ यू सी द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा मिनिमम देन हाउ मच इट वॉज दिस वन। तो यहाँ से आप लोग देख सकते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन। तो मुझे अब दोनों सिचुएशन में क्या निकालना पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हाउ टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम लोग निकालते? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है सी बाई भी, राइट? एंड अगेन वी कैन राइट दिस इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या जानते हैं, लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट। तो अगर ये होगा तो कैन वी से म्यू रेड इज लेस देन म्यू वायलेट। तो जैसे ही हम लोग वायलेट कलर को चेंज करके रेड कलर में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सो फॉर वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन म्यू रेड इज़ लेस देन म्यू वायलेट। तो उससे क्या होगा, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन, सो फॉर वी कैन से दैट एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन फॉर रेड कलर विल बी लेस देन एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन फॉर विच कलर? वायलेट कलर। तो ये वाला कंडीशन हम लोग निकाल लिया। तो ये मैंने कैसे निकाला? बाय यूजिंग दिस रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी बाई भी, दैट वॉज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड भी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मीडियम। सो भी वी कैन राइट लाइक दिस, वेव लेंथ इन टू फ्रिक्वेंसी। देन वी नो दैट वेव लेंथ फॉर रेड कलर इज मैक्सिमम कम्पेयर टू वायलेट कलर। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, सो व्हाट वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर विल बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर। एंड अगेन वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन। सो लाइक दिस व्हाट वी कैन से दैट एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन फॉर रेड कलर विल बी लेस देन एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन फॉर वायलेट कलर। तो जैसे ही हम लोग वायलेट कलर को चेंज करके रेड कलर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन विल डिक्रीज। सो दिस सेंटेंस यू हैव टू राइट दैट व्हेन वी चेंज द वायलेट कलर बाय रेड कलर देन व्हाट वी कैन सी दैट एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन विल डिक्रीज। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक प्रिज्म है इज लाइक दिस, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर दिस इज 90 डिग्री, तो ये एंगल होगा 45 और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर तीन कलर्स ऑफ रे ऑफ लाइट है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कलर है ब्लू, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज रेड। तो यहाँ पर आपसे पूछे ट्रेस द पाथ ऑफ रेस, मुझे अब क्या बनाना पड़ेगा, इन तीनों कलर्स का जो लाइट है उसका पाथ को अभी दिखाना पड़ेगा थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कैसे होगा, तो आइए देखते, तो इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर और एक छोटा सा वैल्यूज मेंशन है दैट यहाँ पर आपको दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू कलर इज गिवन हियर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू कलर इज गिवन, इट इज़ 1.48, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज ऑल्सो गिवन, इट इज़ 1.39, एंड सिमिलरली यू हैव गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्रीन कलर, सो दैट इज़ गिवन, ये सब क्वेश्चन में दिया होगा 1.42, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। सो आइए इसको सॉल्व करते, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग के पास एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया था लास्ट वीडियो में, मैंने बोला था क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ, राइट, तो यहाँ से अगर हम लोग को क्रिटिकल एंगल निकालना पड़े फॉर रेड कलर सपोज, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स देना पड़ेगा 1/μ, सो इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ म्यू हियर, तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1/1.39, राइट, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 46 डिग्री, राइट, इतना आ जाएगा, इसको आप लोग कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 46 डिग्री। सिमिलरली फॉर क्रिटिकल एंगल फॉर किस कलर के कारण, ग्रीन कलर, तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/ कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर ग्रीन कलर, सो दैट विल कम 44.8 डिग्री। ये सब आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। देन अगेन फॉर क्रिटिकल एंगल फॉर विच कलर, ब्लू कलर, तो इसका कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/1.48, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर में करेंगे देन यू विल गेट 43 डिग्री, राइट, तो ये आ गया मेरे पास क्रिटिकल एंगल का वैल्यू फॉर रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। अब मुझे एक चीज़ मालूम है, If angle of incidence is greater than critical angle, तो क्या होगा, then what will happen, there will be total internal reflection, right? तो यहाँ पर angle of incidence कितना है, तो यहाँ पर angle of incidence for face, मतलब जिस face से refraction होगा, in the say this is AC, right? तो AC face में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाउ मच, सो दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम से देख सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द फेस AC विल बिकम 45 डिग्री, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे देन व्हाट वी कैन सी यहाँ पर ब्लू कलर, ब्लू एंड ग्रीन विल क्या हो जाएगा, विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट, विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो ब्लू और ग्रीन कलर का क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, अगर ब्लू कलर और ग्रीन कलर ऐसे पास हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ब्लू कलर और ग्रीन कलर ऐसे पास हो रहा था तो वो लोग ऐसे चला आएगा, राइट, सो दिस इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन रेड कलर का क्या होगा, रेड कलर विल पास लाइक दिस एंड से दिस इज़ द नॉर्मल, देन इट विल रिफ्रैक्ट, तो ऐसे रेड कलर का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन ब्लू कलर और ग्रीन कलर का क्या होगा, ब्लू एंड ग्रीन कलर विल सफर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज यहाँ पर आप लोग अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बनाएंगे देन ये जो एंगल आएगा सो दैट विल बिकम 45 डिग्री,
तो अगर 45 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है क्रिटिकल एंगल तो क्या हो जाएगा, देन इट विल सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो पहले हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ता है, क्रिटिकल एंगल। सो फर्स्ट यू ऑब्टेन द क्रिटिकल एंगल, देन यू कॉम्पेयर दिस क्रिटिकल एंगल विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो क्या होगा, देन दे विल सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अगर कम है तो क्या होगा, देन इट विल सफ़र ओनली रिफ्रैक्शन। तो जैसे कि रेड कलर का केस में क्या था, रेड कलर का केस में क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 46 डिग्री। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ लेस देन द क्रिटिकल एंगल। तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तो क्या होगा, देन इट विल सफ़र रिफ्रैक्शन। लेकिन ब्लू कलर और ग्रीन कलर यू कैन सी दैट क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 44 एंड 43, सो दैट मीन्स इट इज़ लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 45 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे विल सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा आपके पास, और जो मैंने रिलेशन लिखा था ये वाला रिलेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आपको दिया होगा एंगल ऑफ प्रिज्म एंड यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिया जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज गिवन, यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन। सपोज़ एक क्वेश्चन ऐसे आ गया कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इक्विलेटरल प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आएगा, 60 आएगा, राइट। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन, देन वी कैन इजीली अप्लाई दिस रिलेशन टू फाइंड आउट द एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। भाई आगे बढ़ती, तो आज अभी हम लोग करने वाले रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड जस्ट नाउ। नाउ वी आर गोइंग टू डू रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस क्या होते हैं, स्फेरिकल सरफेस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, वन इज रेयरर मीडियम, अनदर वन विल बी द डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर है म्यू वन, उस तरफ है म्यू टू, एंड से वी हैव टेकन म्यू टू इज ग्रेटर देन कितना है, म्यू वन। तो अगर यहाँ से दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगा, राइट, एंड दिस इज़ द नॉर्मल, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, देन इट विल फॉर्म द इमेज हियर, दिस इज आई सपोज, राइट। सो ये क्या है, दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर और वी कैन से द पोल। ये एंगल कितना है, एंगल आई, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आर। सपोज इसको मैंने मार्क कर लिया अल्फ़ा से, दिस इज से सपोज एंगल बीटा, और ये क्या है, एंगल गामा, राइट। ये पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया ए पॉइंट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंगल आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्यों रिफ्रैक्शन हुआ, बिकॉज इट इज़ ए स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, यहाँ पर दो तरह का मीडियम होगा, एक होगा रेयरर मीडियम, दूसरा होगा डेंसर मीडियम। सो हियर यू कैन सी दैट द रे ऑफ लाइट इज़ पासिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन व्हाट विल हैपन, दिस रे ऑफ लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, कौन सा पॉइंट में होगा इमेज, देयर विल बी आई पॉइंट। सो आई पॉइंट में क्या होगा, द इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पर मैंने कुछ एंगल बना लिया अल्फ़ा बीटा एंड गामा। सो लेट अस कैलकुलेट नाउ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एंगल आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल आई वी कैन राइट एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा वाई, बिकॉज वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल आई, और इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, एंगल अल्फ़ा एंड एंगल बीटा, राइट। देन अगेन वी कैन राइट, अगेन सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर हम लोग फिर से करने वाले, तो क्या लिख सकते, एंगल बीटा इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल आर कितना आ गया,
एंगल बीटा माइनस कितना होगा एंगल गामा, राइट। से दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आ गया। देन अगेन वी कैन राइट टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन अल्फा कितना होगा, तो अगर ये जो लाइन है ए ओ डैश, सो फॉर वेरी स्मॉल एंगल अल्फा दिस आर्क ए ओ डैश विल एक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन, सो फॉर विल बी टेन अल्फा, सो टेन अल्फा कैन बी रिटन एज ए ओ डैश डिवाइडेड बाई ओ डैश ओ, राइट। ए ओ डैश, और इसको अगर हम लोग ओ ओ डैश को इफ यू राइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो दैट विल बी माइनस यू। सिमिलरली टेन बीटा को क्या लिख सकते हो हम लोग, ए ओ डैश डिवाइडेड बाई से दिस पॉइंट इज पी, देन वी कैन राइट हियर हाउ मच ओ डैश पी, सो दिस विल बी ओ डैश पी, राइट। एंड वट इज ओ डैश पी, ओ डैश पी क्या था, तो ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाला पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली वट वी कैन राइट टेन गामा, सो टेन गामा वट वी कैन राइट ए ओ डैश डिवाइडेड बाई कितना होगा, ओ डैश आई, सो दिस इज ए ओ डैश डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस भी, ठीक है। तो अब फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वी कैन राइट अल्फा विल बिकम ए ओ डैश डिवाइडेड बाई माइनस यू, बीटा विल बिकम ए ओ डैश डिवाइडेड बाई आर, एंड सिमिलरली गामा विल बिकम ए ओ डैश बाई वी। तो ये मैंने कैसे लिखा, बिकॉज एंगल्स आर वेरी स्मॉल एंड यू नो दैट टेन थीटा विल अप्रोक्सीमेटली बिकम्स इक्वल टू थीटा वैन एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो ये एंगल कैसा है, दिस आर पैराएक्सियल रेज ऑफ लाइट, दैट मीन्स दे आर वेरी वेरी स्मॉल क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते, वी कैन कॉन्सिडर द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सो इफ यू टेक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन देन वी कैन राइट टेन अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा, एंड सिमिलरली दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना होगा, गामा। तो अब अगर हम लोग इसको बिठा देंगे जो हम लोग का पहले वाला इक्वेशन था अल्फा बीटा और गामा का, सो इफ यू पुट इट लाइक दिस देन हाउ मच वी गेट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एंगल आई विल बिकम कितना मिला था, दिस इज अल्फा, राइट। तो अल्फा कितना था, सो अल्फा इज ए ओ डैश माई डिवाइडेड बाई, दिस इज ए ओ डैश यू, और यहाँ पर क्या था, अल्फा और बीटा, सो बीटा कितना आया था हम लोग के पास, तो बीटा आया था ए ओ डैश बाई आर डैश बाई आर। सिमिलरली एंगल आर कितना होगा, सो एंगल आर विज बीटा माइनस कामा, सो बीटा इज हाउ मच, ए ओ डैश बाई आर माइनस कितना हो जाएगा, ए ओ डैश बाई वी, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज वी कैन राइट लाइक दिस, तो ये तो कॉमन हो गया। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब फ्रॉम स्नेल्स लॉ व्हाट वी कैन राइट म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, राइट। सो म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, देन साइन आई विल बी दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट साइन, एक काम करते हैं इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, राइट। तो ये अगर ये है देन इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई देन हाउ मच वी गेट, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू टू साइन आर, राइट। नाउ इफ वी कैन राइट म्यू वन, दिस इज आई, दिस विल बी हाउ मच आर, बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, देन अगेन इन प्लेस ऑफ आई नाउ वी कैन राइट एंगल आई, सो एंगल आई कितना था, दिस वन,
सो दिस इज ई ऊ डैश माइनस यू प्लस कितना था, ई ऊ डैश डिवाइडेड बाई आर था राइट। सो दिस इज आर इक्वल टू कितना होगा म्यू टू, दिस इज अगेन ई ऊ डैश डिवाइडेड बाई आर माइनस ई ऊ डैश डिवाइडेड बाई भी राइट। तो ये आ गया, तो यहाँ से अगर हम लोग ई ओ डैश को कैंसिल आउट कर देते देन वन बाई यू प्लस कितना होगा वन बाई आर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा म्यू टू, सो दिस विल बिकम हाउ मच ई ओ डैश, सो दिस वी हैव कैंसिल आउट ई ओ डैश फ्रॉम बोथ साइड्स देन इट विल बिकम माइनस वन बाई भी राइट। ये आ गया मेरे पास। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो कैसे हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिस वी कैन राइट म्यू टू बाई भी, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया, माइनस कितना होगा माइनस म्यू वन बाई यू, देन हियर वी कैन राइट म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये रिलेशन मेरे पास आ गया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं म्यू टू बाई आर in the right hand side and we have shifted mu 1 by r in the right hand side, so finally how much we get mu 2 by v minus mu 1 by u equal to mu 2 minus mu 1 by capital R। ye ek important relation hai, this is very important relation, ye kab satisfy hoga when the ray of light is traveling from rarer medium to denser medium, to jaise ki yahan par aap log dekh sakte hain the ray of light is traveling from which medium, rarer medium to denser medium, then we can apply this relation that just now we have derived। तो ये relation हम लोग कब apply कर पाएंगे, when the ray of light is traveling from rarer to denser medium। तो अगर ये rarer to denser के लिए है तो opposite में क्या होगा, if the ray is traveling from denser to rarer medium तब क्या हो जाएगा expression, तो तब क्या होगा, तब only the refractive index will change now, तो क्या हो जाएगा म्यू वन बाई भी माइनस कितना आ जाएगा म्यू टू बाई यू, सो दैट विल बिकम म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। ये कब वैलिड होगा, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम।